नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछते हैं। मोस्टली हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नंबर सीरीज़ का कुछ सम आते हैं नंबर सीरीज़ पे, तो आज इसके बारे में हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज़ के कितने तरह के पैटर्न हो सकते हैं, ताकि अगर आप एक बार पैटर्न को समझ जाएंगे तो आप किसी भी नंबर सीरीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और आपको पता ही है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं होते नंबर सीरीज़ को ताकि सॉल्व करने के लिए कि आप काउंट करते रहें, आप जोड़ते रहें। आपको खाली एक बार पैटर्न समझ में आना चाहिए। एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी पैटर्न का मैंने लिस्ट बनाई है, तो आज उन पैटर्न के बारे में सीखेंगे। अगर आप पैटर्न जान गए तो आपको काफ़ी आसानी से आप कुछ ही सेकंड में नंबर सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जैसे कि 11, 2, 13, 2 का डिफरेंस है, 17, 2, 2 का, लेकिन ये 15 नहीं लिखा है। फिर इधर लिखा रहेगा जैसे कि ये 21 एंड 23, तो इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। 2-2 का गैप और बीच में ये गैप होता है कि मतलब नंबर नहीं लिखे होते। 11, 13, 17, 19, 21, 23 ऐसा लिखा रहेगा, तो आपको समझना है कि क्या आने वाला है इसके बाद नेक्स्ट। तो एक प्राइम नंबर होगा। स्क्वायर और क्यूब नंबर के बारे में देखते हैं। जो स्क्वायर है वो जैसे 9 का स्क्वायर 81, 10 का, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, ये 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो आपको दिया रहेगा 81, 100, 21, 144, 69। तो आपको खाली समझना है कि ये स्क्वायर वाला है, तो इससे आपको स्क्वायर नंबर्स मतलब ये दूसरा पैटर्न है जो नंबर सीरीज में पूछते हैं। उसी तरह है क्यूब का। क्यूब का जैसे कि बस मतलब जैसे 64, 125, 216 एंड और 343, तो ये नंबर आपको दिए रहेंगे। आपको देख के पता चल जाएगा, पता चलना चाहिए कि क्यूब वाले हैं। अब ये पैटर्न इन डिफरेंस जैसे 2, 5, 8, 11, 14, तो इन सब में कॉमन 3, 3, 3, 3 का डिफरेंस है। 2, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, फिर ये आएगा 17, 3, 20, ऐसा कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये पैटर्न इन डिफरेंस है। अभी ये देखते हैं ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट मतलब जैसे ये नंबर 5, 10, 12, 15, 20, तो ये इसको छोड़ के ये चारों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये ऑड नंबर है, तो ये आउट होगा। ऑप्शन में आपको 12 मिलेगा, तो ये राइट आंसर होगा। ये वाला एन स्क्वायर माइनस वन, कोई भी नंबर है जैसे कि 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, तो ये नंबर है जैसे कि 2 का स्क्वायर माइनस वन, तो ये 3 हो जाएगा। ये क्या है 3 का स्क्वायर माइनस वन, तो ये 8 हो जाएगा। तो ऐसे ये एक पैटर्न है नंबर सीरीज का। एन ये फॉर्मूला है उसका, एन स्क्वायर माइनस वन, तो ये इसको ऐसा सॉल्व करेंगे। जो लास्ट है वो एन स्क्वायर प्लस वन, प्लस वन जैसे कि 2 हो गया, इसका 2 प्लस 1 5, इसका 3 स्क्वायर प्लस 1 10, इसका 4 स्क्वायर प्लस 1 16 और 17, तो ये एक नंबर सीरीज। अगर आपने इन सभी पैटर्न को एक बार अच्छे से देख लिया तो आपको नंबर सीरीज के, स्पेशली नंबर सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक इजी है तरीका है, आपको खाली ये 6 पैटर्न के बारे में जानना है और आपको अच्छे से नंबर सीरीज के आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं।